I will be then starting with the 22-1. It says if the pth term, qth term and rth term of a GP are a, b and c respectively, prove that a ki power q minus r, b ki power r minus p, c ki power p minus q is equal to 1. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, pth term. Pth term का मतलब क्या है, ए पी आपका क्या हो जाएगा इस केस में, इट वुड बी इक्वल टू ए. और दूसरी बात, यहाँ पे ए क्यू आपको क्या दिया हुआ, इट इज इक्वल टू बी. अब यहाँ पे थर्ड चीज आपको क्या दी हुई है, ए आर इज इक्वल टू सी. अब प्रूव हमें ये करना है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन से. कैसे करेंगे, अब ए पी को आप कैसे लिखोगे, ए पी को हम कैसे फॉर्म करेंगे, इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू ए. ए मान लेते हैं हमारी फर्स्ट टर्म है जीपी की, ए इज द फर्स्ट टर्म है. और फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे सब्सिट्यूट जब करोगे तो ए रहेगा, आर क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, कॉमन रेशियो ले रहे हैं. पावर क्या हो जाती है उसकी, एन माइनस वन, तो पी माइनस वन इज इक्वल टू ए. ये तो हो गए हमारे एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह आप ए क्यू को फॉर्म करोगे, ए क्यू क्या क्या होगा, मतलब ए आर पावर में क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी. थर्ड क्या क्वांटिटी रहेगी आपकी, इट वुड बी ए आर की पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू सी. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई आपकी, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई. अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज सब्सिट्यूट करनी है. अब वैल्यूज कैसे सब्सिट्यूट करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिख रहा है, सेकेंड इक्वेशन में बी की वैल्यू मिल रही है, थर्ड इक्वेशन में आपको सी की वैल्यू मिल रही है. तो सारी की सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पे सब्सिट्यूट कर देंगे. ए की जगह आप क्या सब्सिट्यूट करोगे, ए आर पी माइनस वन, और ब्रैकेट के ऊपर क्या रहेगा आपका, क्यू माइनस आर, इट वुड बी क्यू माइनस आर है. और फिर बी की जगह क्या सब्सिट्यूट करोगे आप, ए आर क्यू माइनस वन, पावर वुड बी आर माइनस पी. और आपका सी की वैल्यू क्या रहेगी, ए आर आर माइनस वन एंड पावर वुड बी पी माइनस क्यू एंड इट शुड बी इक्वल टू वन. वो हम बाद में देखते हैं कि वन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा. अब जो ए की पावर है, ए की जो पावर होगी वो क्यू माइनस आर होगी, आर की जो पावर होगी, पावर के ऊपर पावर आएगी ना यहाँ पे, तो आर ऐसे लिखेंगे इसको, पी माइनस वन इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ क्यू माइनस आर. ठीक है, अब ए की पावर क्या रहेगी यहाँ पे, आर माइनस पी. सेकेंडली आर के साथ क्या रहेगा, क्यू माइनस वन आर माइनस पी. ए की पावर क्या होगी अब यहाँ पे हमारी, पी माइनस क्यू. एंड आर की पावर क्या चढ़ जाएगी यहाँ पे, आर माइनस वन पी माइनस क्यू. अब अगर ध्यान से हम नोट करें यहाँ पे, तो ए की पावर्स को साथ में लिखते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. क्यू माइनस आर प्लस ये वाली पावर लोगे आप, आर माइनस पी. थर्ड पावर आपकी क्या रहेगी, पी माइनस क्यू. पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ए की पावर हमारी क्या आ गई, जीरो. आर की पावर क्या आएगी यहाँ पे हमारी, पी माइनस वन और क्यू माइनस आर है ना, तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करो पहले, तो पी क्यू. पी को आर से मल्टीप्लाई करो, पी आर. माइनस वन को क्यू से करोगे तो माइनस क्यू, माइनस वन से आर को करोगे तो प्लस आर. देन सेकेंडली आपका यहाँ से क्या निकलेगा वैल्यू, क्यू और आर. ठीक है, और फिर क्यू और पी, देन माइनस वन, सॉरी माइनस आर प्लस पी. देन आफ्टर इट थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा आपका, प्लस आर पी, देन आर क्यू. आफ्टर इट आपके पास क्या होगा, माइनस पी प्लस क्यू. अब आपके पास यहाँ पे ए की पावर तो जीरो आ गई, आर की पावर चेक करते हैं क्या ये भी जीरो बन रही है या नहीं. तो यहाँ पे माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, कैंसिल. प्लस पी है और माइनस पी है, कैंसिल. माइनस क्यू पी है और पी क्यू है, कैंसिल. माइनस पी आर से माइनस पी आर बन रहा है हमारे पास, और माइनस पी आर या आर पी है ना, कैंसिल. क्यू आर से आर क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर की पावर जीरो हो गई. दोनों पावर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर जीरो वन, आर की पावर जीरो वन, तो वन इंटू वन इज नथिंग बट वन, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है आपकी वैल्यू.